अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्तु विकर्मणि। महबूबा मिल जाए तो फिर ढूंढो रैन बसेरा, पार्क में बैठे शामे काटो सागर तट पे सवेरा। अरे महबूबा मिल जाए तो फिर ढूंढो रैन बसेरा, पार्क में बैठे शामे काटो सागर तट पे सवेरा। दिल धक धक करता है आना जाए थारे दा, उल्फत मिल जाएगी चाहत मिल जाएगी, उल्फत मिल जाएगी चाहत मिल जाएगी। नहीं मिलेगा घर एक ऐसा खुला हो जिसका द्वार किराएदार 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 किराएदार। घरवाली मिल जाती है पर घर नहीं बसता फिर भी, जेब में भाड़ा लेके घूमो कोई नहीं सुनता फिर भी। अरे घरवाली मिल जाती है पर घर नहीं बसता फिर भी, जेब में भाड़ा लेके घूमो कोई नहीं सुनता फिर भी। पगड़ी तो है लंबी चौड़ी छोटी बहुत पगार, नौकरी मिल जाएगी छोकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी छोकरी मिल जाएगी। छत न मिलेगी जिसके नीचे दीवारें हो चार, किराएदार 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 किराएदार। कब अकल आएगी तुम्हें, सबकी ये कराया पर पानी फेर दिया। कुंदन लाल जी आप परेशान ना हो। क्यों ना परेशान हूँ, क्यों ना परेशान हूँ, रुपया मेरा जा रहा है या तुम्हारा? कह दिया परेशान ना हो बाबू जी। चल अगर वालों का टेंडर कबूल हो गया तो नाक कट जाएगी हमारी, परेशान ना हो। कुंदन लाल जी मैं यकीन दिलाता हूँ। चल ये हाथ और धूप करके इसको पकड़ के उसकी खुशामद करके काम बनाते है, ये है हजरत की सब पकी पकाई मिल रही है ना बाबू जी। अगरवाल भी बहुत खुश हो रहा होगा।
उसका माल तो नहीं खा रहे हो तुम? क्या कह रहे हैं कुंदनलाल जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। यकीन दिलाता हूँ? ये ठेका अगर नहीं मिला तो तुम्हारी छुट्टी समझो। देखता हूँ मैं कुंदनलाल जी। बाबूजी कब? क्या है बाबूजी? को प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसका इंटरव्यू आ ठीक है। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, कब है इंटरव्यू? जी इसी महीने की 20 तारीख। शाबाश बेटा, अच्छी तरह से इंटरव्यू देना, सारी तैयारी कर रखी है ना? जी बाबूजी, तैयारी तो सब कर रखी है, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। इस खानदान में कभी कोई फेल नहीं हुआ, आप भी नहीं होंगे। बाबूजी वो बात नहीं है, मुझे बंबई जाना है। बंबई इंटरव्यू के बाद जाना है, इतनी जल्दी क्या है? वो क्या है बाबूजी, इंटरव्यू बंबई में है। बंबई में? जी। इतनी दूर जाओगे कैसे? बाबूजी रेलगाड़ी से। बेवकूफ, पैदल नहीं जाओगे ये मुझे भी मालूम है, लेकिन बॉम्बे बहुत दूर है। यहाँ लखनऊ में भी तो दरखास्त दी थी, उसका क्या हुआ? बंबई की कंपनी बड़ी है, मल्टीनेशनल है, तरक्की भी अच्छी होगी। अरे जाने दो, मैं सिंघानिया जी से कहता हूँ यही कुछ ना कुछ हो जाएगा, आखिर इंजीनियरिंग पास किया है। बाबूजी कंपनी आने जाने का भाड़ा दे रही है। मुझे ये बहुत काम है, वरना मैं ही तुम्हारे साथ चला। आपको जाने की क्या क्या जरूरत है, कंपनी एक आदमी का भाड़ा दे रही है, मैं चला जाऊंगा। अरे कैसे जाओगे इतनी दूर? बाबूजी मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, बंबई में कितने होटल है, किसी में भी ठहर जाऊंगा। नहीं कोई होटल वोटल नहीं, एक तो नई जगह, ऊपर से बंबई, और फिर पहली बार जा रहे हो। बाबूजी 2-3 दिन की तो बात है सिर्फ। अरे लेकिन बाबूजी मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, और भी कितने लड़के होंगे। अच्छा एक काम करो, वहाँ पाली रोड पर अपना एक फ्लैट है, वहाँ चले जाओ। हाँ वहाँ पहले एक किराएदार बैठा हुआ है, मैं किसी होटल में रहूंगा। अरे 1-2 दिन ही की तो बात है, क्या है मैं लिख देता हूँ उन्हें। बाबूजी मैं नहीं रहूंगा वहाँ, ना कोई जानना पहचान ना कोई रिश्तेदारी, और फिर आज तक मैंने कभी देखा नहीं उन्हें। आप वहीं रहेंगे, मैं लिख देता हूँ उन्हें, और ना हो तो वही नजदीक किसी होटल में रहने का इंतजाम कर देंगे। कुछ बात हो जाए तो कोई देखने वाला तो होगा, और अगर फ्लैट में रहने को कहे तो आनाकानी मत करना, रह जाना वहीं। बाबूजी मैं बड़ों की बात मानते हैं बेटा, कब जाना है तुम्हें? परसों तक जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है हमारा फ्लैट कहाँ है? पाली हिल, एक ही तो फ्लैट है हमारा। एक ही सही मगर है तो, और वो एक फ्लैट मौजूद है, इसलिए आज मैं बंबई जाने की इजाजत दे रहा हूँ। बेवकूफ भाई साहब बैठ जाइए प्लीज। Thank you.
ध्यान नहीं, सॉरी। टिकट प्लीज। एक पाली रोड। टिकट। एक पाली रोड। मेरा पीछा कर रहा है। कौन है ये? पता नहीं, लोफर। ए, कौन हो तुम? इतनी हिम्मत यहाँ तक आ गया? आप लोगों को और ऊपर आया तो ऐसी पिटाई होगी कि सब चौकड़ी भूल जाएगा। चल भाग यहाँ से। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरी बात तो सुनिए। नहीं कर रहे थे मेरा पीछा बस से? गलतफहमी क्या हुआ जया? कुछ नहीं माँ, तुम अंदर जाओ। आप यकीन मानिए बहन जी, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि आप मेरे रास्ते के आगे आगे चल रही थी। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो बम्बई में आज ही आया हूँ और इस पते पर 701 ओएसिस पाली रोड पर श्रीमती लक्ष्मी अभ्यंकर से मिलना है। मैं हूँ मिस अभ्यंकर। कौन है ये लक्ष्मी जी? नमस्ते, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। मैं कुंदनलाल जी का बेटा हूँ, अनिल। कुंदनलाल जी? कुंदनलाल मेरे पिता है, कुंदनलाल चौधरी, कंट्रेक्टर। हम लखनऊ में रहते हैं। अच्छा अच्छा, चौधरी जी। हाँ तो फिर जी, चौधरी जी उन्होंने आपको एक चिट्ठी लिखी है। मैं बम्बई में पहली बार आया हूँ ना, इसलिए। हमें तो कोई चिट्ठी नहीं मिली जया। वो चिट्ठी आई थी? नहीं तो अब आप जाते हैं। अगर अपने फ्लैट में रहने को कहें तो आनाकानी मत करना। माफ कर दीजिए, माफ करना। आपकी चिट्ठी। अरे सुनो सुनो, तुम्हारी चिट्ठी आ गई है जी? तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है, तुम्हारे रहने का इंतजाम करने के लिए लिखा है। आओ आओ आओ। क्या नाम बताया? श्रीमती लक्ष्मी अभ्यंकर। मेरा नहीं तुम्हारा। अनिल। अनिल आओ अनिल।
अरे आओ। हमारे फ्लैट के मालिक का लड़का है। नमस्ते। चलो। आप यकीन मानिए बहन जी, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि आप ही मेरे रास्ते के आगे आगे चल रही थी। जया, जया, चौधरी साहब का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ये मकान हमें 15 साल पहले दिया था बिना किसी पगड़ी के। अच्छा अच्छा। तब जया के पिता जिंदा थे और आज तक कोई किराया नहीं। नहीं नहीं, बाबा बाबूजी ने कोई किराया नहीं मांगा। वो तो बहुत अच्छे आदमी है। मैं तो आजकल के मकान मालिक तो बस मकान खाली करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि कब मकान खाली हो और कब चौगना किराया मिले, और ऊपर से मोटी पगड़ी भी। नेचुरली। आओ जया, आओ बैठ। अरे ये तो हमारे चौधरी साहब के लड़के हैं, बिना वजह झमेला कर रहे थे। मुझे क्या मालूम, मैंने समझा। देखिए अंकल, ये गुंडा बस से मेरा पीछा कर रहा है। मैं अभी आती हूँ। आप सब लोग बहुत हंसमुख हैं। आप कॉलेज में पढ़ती होंगी? जी नहीं, ऑफिस में नौकरी करती हूँ। नौकरी? मैं भी यहाँ एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आपका सामान कहाँ है? क्लॉक रूम में। जी? स्टेशन पर रख के आया। मैंने सोचा पहले जगह ढूंढ लूँ। आप अपना सामान भी साथ लाते तो जरूर टैक्सी में आते, फिर ना बस में आपसे मुलाकात होती और ना ही मैं आपको गलत समझती। देखिए, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। टेक इट इजी। माँ कहाँ चली गई? माँ? लगता है मेरे लिए चाय नाश्ता लेने गई होंगी। इंटरव्यू कब है तुम्हारा? जी कल 11:30 बजे। इंटरव्यू के बाद रहोगे या चले जाओगे? जी सोच रहा हूँ एक आध दिन रह जाऊँ। पहली बार आया हूँ ना यहाँ। यहाँ कोई आसपास रहने की जगह है, होटल मेरा मतलब? हाँ एक है, भारत लॉज। अच्छा, वहाँ खाना अच्छा मिलता है? वेजिटेरियन मिलता होगा। अच्छा, तब तो फिर भारत लॉज में रह जाता हूँ। ये यहाँ पर वो क्या नारीमन पॉइंट कहाँ है? चर्च गेट के आगे। चर्च गेट? वहीं रीजेंट चैम्बर्स में मेरा इंटरव्यू है। ओ, रीजेंट चैम्बर्स, उसी के सामने तो मेरा ऑफिस है। अच्छा, तब तो बात बन गई। तो आप ऐसा कीजिए ना, मुझे गाइड कर दीजिए, तड़के 11:30 बजे वहाँ पहुँचना है। 11:30? जी हाँ। लेकिन सुबह सुबह तो मेरे गाने की क्लासेस हैं। आप गाना भी सीखती हैं? सीख नहीं रही, सिखा रही है, और कभी कभी रेडियो पर भी गाती है। जया एक काम करो ना, कल तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, क्यों ना आज ही नहीं ले जाकर वो इंटरव्यू की जगह दिखा दो। हाँ फिर चलिए ना, अभी निकल पड़ते हैं, आधा घंटा तो बस की क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। तो फिर चलिए। अरे अभी का मतलब फौरन नहीं, आप चाय तो पी लीजिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। सॉरी। यही है आपके इंटरव्यू की जगह, मैं अब जाती हूँ। ओके, आपका ऑफिस कहाँ है? ये सामने वाली बिल्डिंग। आप कब तक वापस आएंगे? मुझे तो घर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाते हैं। तब तक मैं यहाँ क्या करूँगा? आप क्यों 6 बजे तक इंतजार करेंगे? यहाँ सामने जो 81 नंबर की बस मिलती है उसमें जाइए, आपको होटल भी तो देखना है। अच्छा मैं चलती हूँ। अनिल आ गया? नहीं तो क्या, अभी तक नहीं आया? नहीं तो क्यों? मैंने तो ठीक ही रास्ता बताया था। कब? सुबह ही। सुबह? कहाँ जा रही हो? देखती हूँ कहीं होटल तो नहीं चला गया। अरे कहाँ रह गए थे, आइए। मैंने 6 बजे तक तो आप आएंगी नहीं, इसलिए एक पिक्चर ही देख ली जाए। नमस्ते। नमस्ते।
और दोपहर का खाना? जी वो तो मैंने होटल में खा लिया। और मैं यहाँ खाना लेकर बैठी। तो कोई बात नहीं, रात को खा लेंगे। भारत लॉज तो पास ही में है, मैं अपना सामान रखा। अच्छा अच्छा, सामान भी लॉज में रखा है। कैसा है कमरा? यहाँ की लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है। भाई साहब जरा कमीज पहन लेना। ये मेरे रूम पार्टनर है। हेलो, नमस्ते। कैसा लगा कमरा? ठीक ही है। अच्छा, दो तीन दिन ही के तो बात। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं बैठिए, चाय तो पीजिए ना। अभी तो चाय पी के आए हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है लेकिन नहीं, थोड़ी देर तो बैठिए। नहीं मैं चलती हूँ, गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट। अरे आप? हाँ मैं आपसे पूछना भूल गया था कि आप सुबह कितने बजे निकलेंगी? मेरी तो गाने की क्लासेस हैं, मैं 7 बजे ही निकल जाऊँ। तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा ना। अरे नहीं नहीं, आप इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे? आपका इंटरव्यू तो 11:30 बजे है ना जी। आप 10:30 बजे निकल जाइए। नहीं तो मैं यहाँ बैठ के भी क्या करूँगा? इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अब आप जाकर सो जाइए, मुझे जल्दी उठना है। गुड नाइट। ये दोबारा गुड नाइट हो रही है जी। और कुछ? गुड नाइट। माँ सो गई है। अच्छा हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ। वैसे सुबह मैं जल्दी आ जाता हूँ। गुड नाइट। ओह गॉड। अकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 मिला धागा, चोर निकल के भागा, ढोलक मिली न बाजा। आप यहाँ कैसे आ गए? बस आपके पीछे पीछे चला आया। क्यों? वो क्या है कि मेरा इंटरव्यू 11:30 बजे है, मैंने सोचा थोड़ा वक्त कट जाएगा। आपका आदमी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ठीक है बैठ जाइए। थैंक यू। दो बोले दो छड़ियाँ पर तब खूब दिखाए, छड़िया कान मीठे बोले नाक दबाए। तो बोले दो छड़िया कर तब खूब दिखाए, छड़िया कान मीठे बोले नाक दबाए। बोल क्या हो, बोल क्या ला 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 ला। अकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 मिला धागा, चोर निकल के भागा, ढोलक मिली न बाजा। अकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100।
फूल प्यार ललना पकड़ बंबे भू 80-90 पूरे सौ सौ लगा भागा चोर निकल के भागा ढोलक मिली न पाजा पकड़ बंबे निकली बोली दूर तलक पहुंचाई खुद मुंह से ना बोले सबका हाल सुनाए मुंह से निकली बोली दूर तलक पहुंचाई खुद मुंह से ना बोले सबका हाल सुनाए बोल क्या अरे बोल क्या La 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 Five, seven, eight, nine, four, two, telephone! Arey telephone! Pakkar pakkar bambe do, ashi nambe bu. हाँ चलो वेरी गुड अरे आप यहाँ पे इंटरव्यू खत्म हो गया था मैंने सोचा थोड़ी तफरी अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू जी बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू आप लोग यहाँ कैसे लंच टाइम हो गया सोचा कुछ खा अच्छा अच्छा चलिए मैं भी कुछ खा पी लेता ये है मेरी सहेली लता मेरे साथ काम करती है नमस्ते और आप हैं अनिल चौधरी कहा था ना अच्छा अच्छा मेरे बारे में आप इन्हें कह भी चुकी हैं क्या क्या कहा इन्होंने मेरे बारे में यही कि लखनऊ नाम की किसी गांव से कोई आए हैं बम्बई पहली बार लखनऊ गांव नहीं है शान अहमद की है अच्छा तुम उड़ लाने बेस्ट फ्रेंड जा रही हूँ ना मैं स्टेशनरी की दुकान से कुछ सामान लेकर अभी आती हूँ अच्छा कहाँ चले वहाँ अच्छा वुडलैंड इंटरव्यू में तो पास हो गया लेकिन नौकरी मैं नहीं करूँगा थैंक यू भाई क्यों तो क्या है मैं बम्बई में नौकरी करना चाहता हूँ और कंपनी वाले मुझे लखनऊ भेजना चाहते हैं ठीक ही तो है आप लखनऊ में रहते हैं नौकरी भी लखनऊ में लखनऊ में अब क्या रखा है लखनऊ में आपका घर जो है जी घर तो यहाँ भी बना लेंगे ओ मतलब आप बम्बई में काम करना चाहते हैं जी ख्याल तो यही है लेकिन बम्बई में रखा क्या है बम्बई में अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो आपके पिताजी नाराज नहीं होंगे जी उनका तो काम ही नाराज होना है खौफ कह दिया लखनऊ में काम नहीं करेंगे क्यों भाई यहाँ तुम्हारे दुश्मन रहते हैं क्या बम्बई की हवा लग गई नाथ साहब को बम्बई में काम करेंगे खौफ अरे कहाँ खो गए कहीं नहीं थोड़ी देर के लिए लखनऊ चला गया था अच्छा हुआ आपने बुला लिया कब वापस जा रहे हैं लखनऊ चला तो कल ही जाना चाहिए कल पता नहीं कब लौटे दो तीन दिन रुक जाइए ना यहाँ सोच तो मैं भी यही रहा हूँ
अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? आइए ना, आइए। और फिर माँ जी कैसी हैं? अंदर काम कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्हें काम ही करने दीजिए ना। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि मैं आज ही जा रहा हूँ। कहाँ? वापस लखनऊ। लेकिन आपने तो कहा था कि दो तीन दिन और रुकेंगे। हाँ रुकता तो सही, लेकिन क्या करूँ, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ भीड़ बहुत है। भीड़ कहाँ है? आपके कमरे में तो सिर्फ एक ही और लड़का है। नहीं, उस भीड़ को आप नहीं समझे। क्या है कि दिन में मक्खियों की भीड़ है, रात में मच्छरों की भीड़ है, अगर फिर भी मन न भरे तो खटमलों की भीड़ है। वैसे मुंबई छोड़कर जाने की तबीयत नहीं करती। फिर रह जाइए ना कुछ दिन और। कोई रहने को कहे तो रह भी जाए। कौन कहेगा? बाबूजी ने कहा था कि अगर आपकी माताजी अपने ही फ्लैट में रहने को कहें तो रह जाना, बेवकूफ आनाकानी मत करना। और आनाकानी करना भी मत। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं तो कहूँगी यही रहो हमारे साथ, बैठो ना जी। मुझे तुम्हारा होटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। और ये घर भी तो तुम्हारा ही है। जी हाँ, लेकिन अपने पिताजी का कहना नहीं मानेंगे आप? जी इसलिए तो अपना सामान लेकर आया हूँ। कितना सुंदर ये संसार है। Thank you.
लखनऊ में काम नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ क्या तकलीफ है आपको? बंबई बड़ा ऑफिस है, हेड ऑफिस है बाबूजी, वहाँ तरक्की के चांसेस ज्यादा हैं, और फिर बंबई में रहकर अच्छी नौकरी के मौके मिल सकते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ आपका बाप है अकेला, उसकी भी कुछ फिक्र है आपको? बेवकूफ, वहाँ मैं भी तो अकेला रहूंगा। बाबूजी आप भी दोबारा रह सकते हैं। यहाँ का काम कौन देखेगा? नहीं नहीं, मैं मिलता हूँ सिंघानिया जी से, बंबई जाएंगे। बंबई में नौकरी मिली थोड़ी है अभी, कंपनी वालों ने पूछा लखनऊ में जगह खाली है, वहां काम करोगे? और आपने कह दिया नहीं। जी नहीं। जी बेवकूफ। माँ, अनिल की चिट्ठी आई है, लखनऊ पहुंच गया है। अच्छा, उसकी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी मिली तो है, लेकिन उसे बंबई में नौकरी चाहिए। कौन सी कंपनी है? भारत कंस्ट्रक्शंस। तुम्हें को जान पहचान है वहाँ? मैं अपने चाचा से पूछूंगी, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, शायद उनकी कोई पहुंच हो। अच्छा। आइए मिस जया बैंक, प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। ये केदारनाथ जी आपके कौन है? मेरे तो कोई नहीं लगते सर, मेरी एक सहेली है लता, मेरे साथ काम करती है, उसके अंकल है। ओह, आई सी आई सी। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? लखनऊ से श्री अनिल चौधरी ने यहाँ नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। यस यस आई नो, केदारनाथ जी ने ये लिखा है, उनके कागजात मेरे सामने हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लखनऊ प्रोजेक्ट में काम करने से इनकार कर दिया। वो इसलिए कि उन्हें बम्बई में काम चाहिए। लेकिन यहाँ बम्बई में तो बहुत दिक्कतें हैं। जी, उनकी शादी होने वाली है। तो दैट्स वेरी गुड, हम तो साइट पे प्री फर्निश मकान भी देते हैं। लेकिन सर, उनकी होने वाली पत्नी बम्बई में काम करती है। ये तो हमको किसी ने नहीं बताया। सर, वही बताने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। आप? जी, मैं ही उनकी होने वाली पत्नी हूँ। कांग्रेचुलेशंस, किस्मत वाला है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आप चाहे तो सर सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं, फिर भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे चीफ बिल्कुल आप ही की तरह है, कभी नहीं कहते काम कर दूंगा, कहते ही देखता हूँ। यू आर ए स्मार्ट गर्ल। थैंक यू सर। देखो, अनिल चौधरी को यहाँ बॉम्बे में अपार्टमेंट दे दो, बिचारे की होने वाली पत्नी यहाँ बॉम्बे में काम करती है। ओके जी। अच्छा, Thank you.
हेलो आइए। मुझे तो बंबई में नौकरी मिल गई। अच्छा कैसे? अजी ये तो हमें मालूम था कि अनिल बाबू को बंबई में नौकरी मिलेगी, इसीलिए तो लखनऊ की नौकरी ली रहे। अच्छा तो तुम्हें मालूम था? हमारा इंटरव्यू कुछ ऐसा हुआ था और फिर हमारे जैसा उम्मीदवार उन्हें कोई दूसरा थोड़ी मिलता। टिप टॉप टिंग टॉप। बैठ तो जाइए। क्या इस बार भी आपके पिताजी ने कहा कोई रहने को कहे तो आनाकानी मत करना? जी बिल्कुल नहीं, इस बार तो इतनी मोटी मोटी गालियां सुनी। आग बबूला थे, अगर उनका बस चलता तो लखनऊ में ही बेड़ियां डाल के कैद कर लेते। अच्छा क्या कहा उन्होंने? बेवकूफ। वकील साहब आए। भगा दे उन्हें। क्या है? वकील साहब आए हैं। भगाने भग आए हैं तो बिठाना बैठक में। नीचे है बैठे हैं। आओ कुंदन लाल, हम क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। परेशान न हो तो क्या नाचू? बेवकूफ को कहे हुए आज 15 दिन हो गए, एक खत भी नहीं लिखा। हम कहाँ हुए यार 15 दिन, मुश्किल से 8-10 रोज हुए होंगे। चलो 8 दिन ही सही, 8 दिन में खत नहीं लिखा जा सकता। यार टेलीग्राम तो भेजा था। टेलीग्राम और चिट्ठी एक बात है क्या? भाई बहुत खूब, इकलौती औलाद है ना, इसलिए उतावले हो रहे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा खत भी आ जाएगा। अच्छा कल कचहरी गए? और में जाए कचहरी, ये नहीं चाहिए ये ठेका। हमारे यहाँ 10 लाख का ठेका है, उधर वो अग्रवाल पीछे पड़ा। देखो मियाँ मुझसे ये झंझट नहीं होता, मगर किस लिए? एक ही बेटा है, वो भी अगर बम्बई में मटर गस्ती करता रहे तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ दौड़ धूप करने की। बेवकूफ, अरे उसे बेवकूफ कह रहा हूँ, मेरा नाम मुराद बेटा। नहीं बाबू जी गुस्सा जरूर करते हैं लेकिन अंदर से दिल के बहुत अच्छे। अब वो गुस्सा करें या कुछ भी करें, बंबई में नौकरी जरूर मिल जाती है लेकिन रहने की जगह मिलना बहुत मुश्किल है। अब कोशिश तो कर ली 8-10 दिन। मैं तो कहूंगी तुम रहो हमारे पास, दूसरी जगह मिलेगी तब देखा जाएगा, क्यों परेशान होते हो? तुम्हारी माता जी ने तो मेरे मन की बात कह दी है। तो फिर आना कानी मत करना। चलो नो आना कानी। और कल से मकान ढूंढना भी बिल्कुल बंद। मंजूर। कहो जब तक बंबई में हो यहीं रहोगे? मैं भगवान को हाथ जला रख के कहता हूँ जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जब तक बंबई में हूँ यहीं रहूंगा। और अच्छा अनिल, शादी के बाद क्या पति का पत्नी के घर रहना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो फिर परेशान क्यों होती? आखिर ये फ्लैट है तो मेरे बाबूजी का ना, बाबूजी का हुआ या मेरा हुआ बात तो एक ही है। आप समझते नहीं मियां, मकान मेरा है तो क्या हुआ, वो लोग भी तो करीबन 15 साल से वहां किरायेदार हैं। देखिए साहब, आपके साहबजादे अगर बगैर आपकी मर्जी के मर्जी खिलाफ आपके अगर बंबई रहना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आप भी बंबई जाकर रहिए, एक ही औलाद है, कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो हो जाएगा। मतलब मैं अपनी खुदगर्जी के लिए दूसरों को घर से बेघर कर दूं? क्या करेंगे आप सोचते हैं बंबई में जाके आप मकान खरीदेंगे? वहां जमीनों की क्या कीमत है कुछ अंदाजा है आपको? मैं मकान खरीदने की बात कौन कर रहा है, लेकिन किस मुंह से कहूं मेरा मकान खाली कर दीजिए, शरीफ लोग हैं, कभी किराया भी तो बाकी नहीं रखा। हमारा यार कुंदन लाल, ये दुनियादारी है, इसमें मुरव्वत से काम नहीं चलता। आप मकान मालिक हैं, अगर आप खुद अपने मकान में रहना चाहें तो कानून आपको पूरा हक देता है कि आप किराएदार से अपना मकान खाली करवा लें, समझे आप? फिर भी फरीद मियां, देखिए अगर आपको उनका इतना ही ज्यादा ख्याल है तो आप उन्हें 2-3 महीने का नोटिस दे दीजिए, इस बीच तो कहीं ना कहीं मकान देख ही लेंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करिए, मैं आपके वकील की हैसियत से आपकी तरफ से उन्हें 3 महीने का नोटिस दे देता हूँ, इस बीच में आप भी अपना कारोबार यहाँ से समेट लीजिए। हाँ जी, हमें भी गाना सिखाओ। कौन सा गाना?
कोई सा प्यार का बोल क्या होंगे एक ऐसा रहेगा गा रहा है दिल यही गीत बार बार तुम हो मेरी जिंदगी जिंदगी है प्यार अच्छा है किसका लिखा हुआ है आधा बरस आठ साल में अब ये भी लिखा है क्यों किया था तुमने आप शायर भी हैं कहावत मशहूर है लखनऊ की लड़की अगर खूबसूरत नहीं तो वो लड़की नहीं और लखनऊ का लड़का अगर शायर नहीं तो लड़का नहीं चलो बच गए मैं लखनऊ की नहीं एक और कहावत मशहूर है अगर लड़की खूबसूरत है तो उसका नाता लखनऊ से ही जोड़ना चाहिए और आप हाँ तो क्या बोल है एक सेकंड गा रहा है दिल यही गीत बार बार तुम हो मेरी जिंदगी जिंदगी है प्यार गुजरते पलों से आ मोहब्बत के दो पल चुरा ली अपने रहे उम्र भर जो ऐसे सपने नजर में छुपा ली आगे फिर जाए ना जीवन से हंसते बहार गा रहा है दिल यही गीत बार बार मेरी जिंदगी जिंदगी है प्यार सानी दा मेरा प्यार मेरा प्यार हर दिल की धड़कन पे साथी नाम लिखा है मैंने तुम्हारा जाने कहां खो गए हम तेरी बाहों का पाकर सहारा तेरे बिन आए ना दिल को कभी अब का
जिंदगी है प्यार। ओहो, ये तो पिघल गई। अरे तुमने पूछा ही नहीं, मैंने तुम्हें आइसक्रीम को खरीद के दी। पूछने की जरूरत नहीं, कल मैं खिला दूंगी, है तो आइसक्रीम ही ना। नहीं, आज से एक महीने का प्रोबेशन खत्म। आज से हमारी नौकरी पक्की हो गई। अच्छा, आज से हमारी तनख्वाह 2000 रुपए महीने। 2000? और सिर्फ 2 रुपए की आइसक्रीम? नहीं नहीं, इसके बाद हमारी शादी। आइसक्रीम से एकदम शादी? मंजिल बहुत जल्दी तय कर ली। याद नहीं, हमारी पहली मुलाकात बस में हुई थी। आइसक्रीम का इस बस से क्या ताल्लुक है? क्या है कि शादी के बाद भी हम यूं ही बस में बैठ के घर जाया करें। कभी कभी यहाँ बसों की स्ट्राइक भी होती है, एक भी बस नहीं चलती, समझे? चाय पियोगी? पी लेते हैं, थकावट तो बहुत हो रही है। 6:06 हो गए, तुम जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी नहा लेता हूँ। ओके मम्मी। नो मम्मी, नो मम्मी, तेरा आज का तोहफा। इसके बाद कुछ और लाओगे तो सचमुच नाराज हो जाऊंगी। तो नई बात थोड़ी, पिछली बार जब साली लाया था अभी तुमने ये कहा। मम्मी मैं कब से मम्मी मम्मी पुकार रही हूँ और तुम यहाँ चुपचाप खड़ी हो, क्या बात है माँ? अनिल कहाँ है? नहा रहा होगा। क्यों? ये चिट्ठी आई है उसके पिता की तरफ से, हमें 3 महीने के अंदर ही मकान खाली करना पड़ेगा। हाँ? अरे साला, बंबई के बाथरूम में पानी नहीं होता। मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, पिक्चर छूट जाएगी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, अनिल से कुछ मत कहना। क्यों ना कहूं, आखिर उसे भी तो पता लगना चाहिए क्या लिखवाया उसके पिता ने। चले दो जया, हम कहीं और चले जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे माँ, यही रहेंगे। आखिर मकान उन्हीं का तो है ना। मकान उनका है तो क्या हुआ, किराया भी तो दे रहे हैं हम। मकान छोड़ दो, बम्बई में मकान मिलना मजाक है क्या? परेशान मत हो माँ, देखना कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, हंसो, हंस दो, कुछ कहना मत। अरे पिक्चर छूट जाए। लो मैम साहब अभी तक तैयार ही नहीं हुई है, देख रही वक्त क्या हो गया है। अनिल मैं नहीं जाऊंगी, तुम चाहो तो चले जाओ। हा? अब क्या बात हो गई? बस तबीयत नहीं कर रही। अरे पिक्चर तुम देखना चाहती थी। अब नहीं चाहती। ठीक है, तुम नहीं देखना चाहते ना से, हम भी नहीं देखेंगे। हमारे घर में तो हुक्म आप ही का चलेगा। किसके घर में? अरे हमारे घर में। अच्छा, क्या बात है, ये तीसरी चिट्ठी है जो तुम टाइप कर रही हो और फाड़ रही हो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं लता, जो भी बात है मुझे बताना। हमारे मकान मालिक के वकील ने नोटिस भेजा है घर छोड़ने के लिए। क्यों? क्या पता, लिखा है खुद आके रहेगा यहाँ। लेकिन मकान मालिक तो तेरे अनिल के पिता हैं। हाँ, फिर घर कैसे छोड़ दे, छोड़कर जाएंगे कहाँ? मकान मिलना कितना मुश्किल है यहाँ। हाँ, क्यों ना हमारे कंपनी के वकील के पास चलें, वो कोई रास्ता बता दे। कितने साल से आप इस फ्लैट में रह रही हैं? 15 साल हो गए। किराया वगैरह वक्त पे देती आ रही हैं? जी हमेशा। किराए की रसीदें हैं ना? जी हैं। और राशन कार्ड, उस पर भी इसी फ्लैट का पता है ना? जी, राशन कार्ड, गैस सब इसी पते पर है। फिर आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई नहीं निकाल सकता।
लेकिन मकान मालिक का लड़का भी इन्हीं के साथ रह रहा है, इन्हीं के फ्लैट में। मकान मालिक का लड़का आप ही के फ्लैट में रह रहा? जी हाँ। कब से? करीबन 2 महीने हो गए। लेकिन मकान मालिक का लड़का आपके फ्लैट में क्यों रह रहा है? एक कंपनी में नौकरी लेकर बम्बई आया है, कोई जगह नहीं मिली इसलिए हमारे साथ रह गया। हमारे फ्लैट में एक एक्स्ट्रा कमरा है। अब आपका केस कमजोर नजर आता है। लगता है मकान मालिक ने बड़ी होशियारी से कब्जा करने के लिए पहले अपने लड़के को भेज दिया। अच्छा, इस लड़के को नोटिस के बारे में मालूम है? कह नहीं सकती। आपने कुछ बताया? जी नहीं। गुड, ये अच्छा किया। आपके पास रहने के लिए कोई और जगह है? कहीं और रहने की जगह होती तो ये फ्लैट फौरन छोड़ना देती। घबराने की कोई बात नहीं, आप इसी फ्लैट में रहेंगे। किराएदारों के भी अपने कुछ हक होते हैं, लेकिन आपका सबसे पहला काम होगा इस लड़के को अपने फ्लैट से निकालना। यही एक रास्ता है। इससे पहले कि वो लड़का शाम को घर आए, उसका सारा सामान पैक करके घर से बाहर निकाल दीजिए और जिस कमरे में वो रहता है उस पर अपना कब्जा कर लीजिए। लेकिन 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 कुछ नहीं। अगर आपको इस मकान में रहना है तो यही एक तरीका है। एक बार मकान मालिक का लड़का घर से बाहर निकल जाए तो फिर आप बेफिक्र रहिए, आपको कानूनन कोई नहीं निकाल सकता। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। घंटी बजा रहा है, अब क्या करोगे? जया, जया, जया! मेरा सामान बाहर क्यों रख दिया? आपके रहने का इंतजाम भारत लॉज में कर दिया है, वहीं ले जाइए ये सामान। भारत लॉज? जी हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि आप यहाँ और नहीं रह सकते। ये क्या आप लगा रखी है, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, और ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले जाइए। क्यों चला जाऊं? ज्यादा बनिए मत, आप लोगों की चाल पकड़ी गई है। आप इस घर में रहने आए हैं ताकि हमें निकाल बाहर करें, हाँ? क्या बकवास कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? आपके पिताजी की चिट्ठी का जवाब हमने दे दिया है, हम ये मकान खाली नहीं करेंगे। कौन सी चिट्ठी? अब शायद कहेंगे आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके पिताजी ने हमें मकान खाली करने को कहा है। सच्ची मुच्ची नहीं मालूम? मेरे साथ 2 महीने तक प्यार का सौदा किया, ये तो मालूम है आपको? प्यार का सौदा? जी, ताकि यहाँ इस मकान में रह सके, मकान पर अपना कब्जा जता सके। तुम क्या कह जा रही हो, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब सारा भांडा फूट चुका है, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। मैं चला जाऊँ यहाँ से? जी हाँ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। प्यार का सौदा, आखिर तुम बम्बई की नौकरी करने वाली छोकरी हो ना, इसलिए नफरत से अच्छी तरह समझती हो। 2 महीने में इस प्यार के सौदे में कितना कमाया उसका हिसाब रखा है ना तुम? 2 महीने में कितना रुपया दिया है आपने यहाँ? मुफ्त की रोटी तोड़ते शर्म नहीं आई आपको? बेशर्म। और कितना रुपया लोगी? साड़ियाँ, गाने के कैसेट, परफ्यूम, ये घड़ी, सोने के रिंग, सिनेमा के टिकट, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं है क्या? क्या देख रहे हैं आप, मैं उल्का पट्टा हूं क्या? ये लो तुम्हारा सामान, तुम्हारी चीजें। ये घड़ी लो, ये भी लो। क्या समझ रखा है हमें? हम क्या तुम्हारे पैसे के भूखे हैं? बेईमान, बदतमीज, धोखेबाज। कोई अगर गलती से तुम्हें किराएदार बना ले, 2 दिन बाद वही सोचेगा कैसे तुम्हें निकाले। बन जाएगा जानी दुश्मन जो था जिगरिया, अरे आंखें दिखलाएगा, नोटिस दिलवाएगा, आंखें दिखलाएगा, नोटिस दिलवाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में चौपट कारोबार। किराएदार, बेवकूफ।
वकील साहब आए हैं, भगा दे उन्हें। चलिए अंदर बुलाए रहे हैं। ये है आपकी हिदायतों का नतीजा। लिखा है वक्त से बराबर वो किराया देते आ रहे हैं, मकान खाली नहीं करेंगे। लीजिए पढ़िए। हम आपको खामखा परेशान हो रहे हैं, बैठिए, रोड तशरीफ रखिए। अरे आपको वकालत की फीस चाहिए तो लीजिए ना, कौन मना करता है, कोई ढंग की तजबीज तो दीजिए। हिम्मत तो देखो औरत की, मकान खाली नहीं करेगी, तेरे बाप का मकान है। मकान खाली हो जाएगा, हमारे सब कानूनी दाव पेच है, ये हम पे छोड़िए। हमारा बेटा बेवकूफ उसी मकान में ठहरा हुआ है दुश्मनों के साथ, फौरन उसे एक तार भेज दीजिए फरीद मियां, अभी निकल आए वहां से। अरे ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, वही तो एक मोहरा है हमारे दाव जीतने का। अरे कैसा मोहरा, क्या बात है, दूसरी चिट्ठी आ गई क्या? लीजिए एक और तोहफा, उन औरतों ने साहिबजादे को धक्के मार के घर से निकाल दिया है। ये लिखा है? हर बात लिखी जाती है क्या? चिट्ठी से साफ जाहिर है। इतनी हिम्मत? ये आपके बिना फीस की हिदायतों का नतीजा है, अब हमारा बेटा ना घर का ना घाट का, और सब ठीक हो जाएगा। हमें क्या ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा? एक तो हमारा मकान हड़प कर लिया, ऊपर से लौंडे को निकाल दिया, और क्या क्या तौहीन कराओगे मेरी? मेरा ख्याल है इतनी दूर से काम बनने वाला नहीं। आप एक काम कीजिए गुंदन लाल जी, आप ऐसा कीजिए कि अभी यहां से बंबई चले जाइए, वहां मेरा एक दोस्त है वकील। वकील? जी हाँ, मेरा दोस्त है, मैं उसके नाम एक चिट्ठी दे देता हूँ, वो मुकदमा दायर करके आपका मकान खाली करा दे। मकान खाली हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप वहां जाके किसी होटल होटल में ठहर जाइए, और वहां जाके कहिए कि क्या करूं साहब, मेरे पास रहने की जगह ही नहीं। और ये बंबई का वकील देसाई फीस भी लेगा, आपका काम बन जाएगा, समझे आप? अब तो यही करना पड़ेगा। मेरे बेटे को मेरे ही घर से निकाल दिया, बेवकूफ। बाबूजी आप बेवकूफ, ये है आपके रहने की जगह। आप कौन है? मैं भी यही रहता हूँ। ये भी यहाँ रहता है? जी बाबूजी, आप यकायक, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार। सामान रख। पहले ये बताइए आपको हमारे मकान से निकाल क्यों दिया? बाबूजी वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपके रहने का इंतजाम कर लूँ। घाड़ेकर ये मेरे फादर हैं। नमस्ते बाबूजी। इनके यहाँ रहने के लिए कोई बेड मिल जाएगा? तुमको चाहिए तो यही रहो, अनिल का रूम पार्टनर मान गया है, उसको दूसरा कमरे में शिफ्ट करेगा। थैंक यू। ठीक है बाबूजी, आप हाथ में धो लीजिए, बाथरूम बाहर है। बाहर? सॉरी। ठीक है ठीक है बाबूजी, यही रहेंगे। वो जरा बाबूजी जरा 100 रुपए दीजिए। क्यों? आप यहाँ कितने दिन तक रहेंगे? क्या नहीं, वो जरा एडवांस देना। मुझे क्या मालूम कब हमारा मकान खाली होगा। हाँ हाँ रहो, जब तक रहने को मांगता है रहो ना, रहो। कितना देना पड़ता है यहाँ? क्या बोलता है, तुमसे जस्ती चार्ज थोड़े करेगा, एक बेड का 350 रुपया, वैसे नया कस्टमर से 400 रुपए लेता है, तुमसे पुराना रेट ही चलेगा। हम दोनों का 700 रुपए? ये तो बहुत सस्ता है सेठ, या तो 25 रुपए रोज बेड की मारामारी लगी रहती है क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ, इतना महंगा, मेरा इतना बड़ा फ्लैट उसका भाड़ा सिर्फ 500 रुपए और यहाँ इस कोठरी का 700। अरे तुम जाओ ना खाने कर, मैं भी भाड़ा के हिसाब करता हूँ। देखो अरे यार भाग थोड़ी जाऊंगा मैं। अच्छा बाबूजी आप 700 में खाना क्या क्या देते हैं? खाने का अलग है, 700 रुपए सिर्फ रहने के। खाने का अलग? बाबूजी यहाँ बहुत महंगा है। तो फिर क्यों आ गए बम्बई? अब तो आप भी आ गए ना। अब लेकिन हमारे घर से आपको निकाल क्यों दिया? घर उनके बाप का है बेवकूफ।
5,000 रुपए लोन चाहिए? जी हाँ। कितनी नौकरी हुई है तुम्हारी? 3 साल। 3 साल? 2 साल 10 महीने। तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में इतना रुपया जमा नहीं है कि तुम्हें इतनी रकम दी जा सके। सर, हमें रुपया न मिला तो हमें अपना फ्लैट खाली करना पड़ेगा। मुकदमेबाजी का नतीजा मालूम है क्या होता है? जी नहीं सर। देखो, कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं जाना चाहिए, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। लेकिन सर, तुम्हारा केस कितना भी पुख्ता क्यों ना हो, मेरी ये सलाह है कोई समझौता कर लो, कोई फायदा नहीं है केस लड़ने में। वेल, जो भी हो, 5,000 रुपए लोन तुम्हें नहीं मिल सकते, बहुत हुआ 2,000 मिल जाएंगे। जाओ, सोच समझ से कल बताना। यस सर। दिन में भी मच्छर, ये कोई रहने की जगह है? बेवकूफ साला, ये निसाई का बच्चा भी चालू वकील लगता है, सब रुपया खा जाएगा। 2 दिन में दिलवाता हूँ फ्लैट, 20 दिन हो गए, हमारे लखनऊ में होता तो इसे। आ जाइए अंदर। अरे कहा ना, आ जाइए अंदर बेवकूफ। आप ही कुंदनलाल चौधरी हैं? हाँ, क्यों? मुझे आप ही से काम है। मुझसे? जी हाँ, मेरा नाम जया है, मैं मिसेज लक्ष्मी अभ्यंकर की लड़की हूँ। अच्छा, तो आप हैं, आप ही अपनी माँ को उल्टी सीधी सलाह दे रही हैं। जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वकील की चिट्ठी भेजने की? लखनऊ में होती तो मैं आपको। मैं अंदर आ सकती हूँ? इधर चारों तरफ लोग गर्दन बड़ा बड़ा कर मुझे घूर रहे हैं और मुझे तमाशा नहीं बनना। तमाशा नहीं बनना है तो फिर कोर्ट में क्यों जा रही है, वहाँ भी तो तमाशा ही होंगे। देखिए, मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ ताकि हमें कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े। तो यूं कहिए, आइए बैठिए, मुझे भी क्या इस कबूतर खाने में रहना अच्छा लगता है। मच्छरों ने तंग कर रखा है यहाँ, कहाँ लखनऊ और कहाँ। तो कहिए, कब मकान खाली कर रही है? आपको गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ ये। कैसी गलत फहमी? मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि अगर बिना कोर्ट कचहरी के ही हम ये फैसला कर ली तो हम दोनों के रुपए भी बच जाएंगे और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। वो मकान हमारा है, हम वहाँ रहना चाहते हैं, मकान खाली कर दीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए सर, मुझे सिर्फ 800 रुपए तनख्वाह मिलती है और बच्चों के स्कूल से 400 रुपए, जिससे हमारा घर चलता है, और पिताजी का जो जमा है हम उसमें से हर महीने 500 रुपए निकालते रहते हैं, वो आपके किराए में चला जाता है। अगर आप चाहें तो हम किराए में 100 और बढ़ा देते हैं, हमें जरा सी तकलीफ होगी लेकिन हम सह लेंगे सर। अरे, हम किराया बढ़ाने के लिए ये सब झमेला नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा मकान चाहिए बस। एक और भी रास्ता है सर। क्या? अगर आप हमें मकान छोड़ने का कुछ रुपया दें तो हम कहीं भी दूर अंधेरी, मालाड या वर्सोवा में एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे। मैं आपको रुपया दूं मेरे ही मकान के लिए? गोया कि आप मेरे ही मकान के लिए मुझसे ही हर्जाना मांग रही है, दिमाग खराब हो गया क्या? लेकिन हम लोग, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की उलझुली तस्वीर मेरे सामने पेश कर रही है? ये कोई उलझुली तस्वीर नहीं है, हमारी जगह कोई भी दूसरा इस बॉम्बे शहर में वही कहता जो मैं कह रही हूँ, आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझते? चलिए चलिए, रास्ता नापिए, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फौरन मकान खाली कीजिए वरना मैं बेवकूफ। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन आप इस मुगालते में न रहना कि आप आसानी से हमारा फ्लैट खाली करवा लेंगे। तो कौड़ी की लड़की मुझे धमकी दे रही है, चलिए बाहर इसी वक्त। आप जैसे घमंडी का सर कैसे नीचे किया जाता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, देखती हूँ कैसे खाली करवाते हैं ये फ्लैट। चोट नहीं लगी जया? सुनो जया, मुझसे ही मिलने आई होगी। साहब, ये आपका, तुम ले जाओ। Oh
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सिट डाउन. थैंक यू सर. सर अब तो मेरी नौकरी पक्की हो गई सर. अगर रहने की जगह मिल जाए तो. आई एम सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल. बम्बई में रहने की जगह मिलना बहुत मुश्किल. ये तो हमने आपको नौकरी से पहले बता दिया. लेकिन फिलहाल कहाँ रह रहे हो? जी गेस्ट हाउस में. गेस्ट हाउस में अपनी पत्नी के साथ? पत्नी के साथ नहीं सर, बाबूजी के साथ. क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? आप ठीक कहते हैं सर, मेरी शादी नहीं हुई. आपको तो हमने लखनऊ में नौकरी दी थी ना? जी. आपकी होने वाली पत्नी आई थी, इसी कुर्सी में बैठी. उसने मुझसे कहा कि वो बम्बई में नौकरी करती है और क्योंकि आप दोनों की शादी होने वाली है इसलिए आपको भी बम्बई में नौकरी दी जाए. कौन सी लड़की थी सर? अरे मुझे क्या मालूम, आपको मालूम होना चाहिए आपकी शादी कहाँ होने वाली थी.
शादी तो होने वाली थी सर, लेकिन सर वो सचमुच यहाँ आई थी सर। That's right. अगर वो यहाँ ना थी तो आपको बंबई में नौकरी मिलना मुश्किल था। Well, anyway, अगर आप चाहें तो हम आज भी आपको लखनऊ भेज सकते हैं। वाकई पोस्ट खाली है और रहने के लिए मकान भी? नहीं सर, बंबई ठीक है सर। वो क्या है सर, यहाँ रहने की जगह नहीं मिल रही थी ना, इसलिए तो हम लोग शादी नहीं कर पा रहे थे सर। वैसे कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम, हम मैनेज। आई एम सॉरी सर, थैंक यू सर। फनी मैन। बच्चों कमान जल्दी बैठ जाओ, कमान कमान गेट ऑन टू योर सीट्स, ऑन टू योर सीट्स जल्दी कमान। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुमसे मिलने का और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन मुझसे मिलने की जरूरत क्या है? तुम्हें मालूम है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम इस बात को कबूल करो ना करो, लेकिन तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये क्या हो रहा है जया? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है माँ, ये गहने बेचने पड़ेंगे। नहीं जया, ये गहने मेरी माँ के हैं, मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखे हैं। मुझे जाने दो माँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मकान मालिक हमें निकालने पर तुला हुआ है, हम यूं ही मकान खाली नहीं करेंगे, हमारे भी तो कुछ हक हैं। ये कमबख्त पेट का दर्द कम ही नहीं होता, जैसी घटिया रहने की जगह वैसी घटिया दवा डॉक्टर। पता नहीं कब तक इस जहन्नुम में रहना पड़ेगा। ये बेवकूफ, राजकोट साले, आप जाइए मैं नहीं जाता। हां साला वकील देसाई होगा, उससे कहना कि रुपया बाद में मिलेंगे। अच्छा नहीं, 100-200 रुपया दे ही देना, वरना खाम खा देर करेगा, फिर मुलतवी ना हो जाए। दो बार तो हो चुकी है, इन साले वकीलों की बनाई है। हमारे लखनऊ में होता तो देख लेता। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं, जाइए ना। नहाने धोने में टाइम लगेगा, मैं काम पर नहीं जाऊं क्या? बेवकूफ, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी, और मेरे लिए दही और केले का बंदोबस्त कर दीजिए। इन साले डॉक्टरों की भी बनाइए। तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी वजह से मुझे बंबई में नौकरी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद जया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने वकील का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आज काम पर नहीं गई? जी नहीं। कोर्ट में तुम ही हमेशा आती हो? नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है।
नहीं नहीं, मजे की बात यह है कि आज बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दुनिया में भलमनसा तो रही नहीं ना, लोग कितने मतलबी और संगल होते जा रहे हैं, किसी को किसी की मजबूरी का ख्याल ही नहीं। मैंने कुछ गलत कहा? कहा तो ठीक है, लेकिन गलत जगह पर। गलत जगह पर? ये सब अपने बाबूजी से कहते तो ज्यादा अच्छा होता। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपने बाबूजी से नहीं कहता? अगर कहते तो यहाँ कचहरी में घसीट कर नहीं लाते। मैं माफी चाहता हूँ, वो सठिया गए हैं, अभी इस उम्र में उनको छोड़ तो नहीं सकता। कितना पैसा हुआ? हेलो, हमारा वकील तो आ गया। अरे मर गए, हम दोनों के वकील एक साथ। पहले ही कहा था दो ऑटो कर लो। तुम फिक्र मत करो, मैं पटाता हूँ। अरे जय जी, आप? नमस्कार। नमस्कार। मम्मी कहाँ है? घर पर है। ओ, ये आपके वकील हैं? जी। आप दोनों एक साथ? जी, आप दोनों भी तो एक साथ। अब दरअसल बात यह है कि अगर आप दोनों एक साथ हो गए तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्यों देसाई साहब? हाँ रमण भाई। चलिए आज ही फैसला हो जाना चाहिए। हाँ जरूर, आइए आइए। अरे देसाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने क्लाइंट के साथ जाइए ना। आइए जय जी, आइए। सुनिए, आइए आइए आइए। अरे आ गए हजरत, थैली में क्या है? दही है। दही? थैली में दही? फट जाएगा बाबूजी। अरे बटन खोल रखे हैं, बम्बई की हवा लग गई है। आज हमारे वकील देसाई आए थे, आप उस बदतमीज लड़की से बातें कर रहे थे। अरे बेवकूफ, इस मामले में वो हमारी दुश्मन है। आप एक कमाल करते हैं बाबूजी, अगर कोई रास्ते मिल जाए तो उसे बात भी ना करें। नहीं, वो मुझे धमकी देकर गई है, मुझे मजाक चखाएगी। देखते हैं कौन किसे मजाक चखाता है। हमारे लखनऊ में होती तो अब बाबूजी जरा सोचिए, अगर मैंने उन्हें रास्ते पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम कुंदन लाल नहीं। अगर बिगाड़ा क्या उन्होंने हमारा? क्या क्या कहा आपने बाबूजी? क्या बिगाड़ा उन्होंने हमारा? आप ये पूछ रहे हैं? हम आप ही की वजह से तो ये सब झमेला हो रहा है। क्या क्या जरूरत थी बम्बई में नौकरी करने की? 10 दिन के लिए केस मुलतवी हो गया है। 10 दिन हो या 10 साल, मैं अपना फ्लैट हासिल करके रहूंगा। मैं इस कोर्ट कचहरी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। हमारा मकान मालिक बहुत ही अच्छा था, 15 साल तक उसने हमें कोई तकलीफ नहीं दी। अब उसके लड़के को यहाँ नौकरी मिल गई है ना, तो उसे मकान चाहिए ही। ठीक है थी लक्ष्मी, आखिर कब तक लड़ती रहोगी? पद्मा बहन, मैं आधी जेवर तो बेच ही चुकी हूँ। अगर वो तुम्हारा लड़का अच्छा है तो उसे शादी की बात करो ना, मैं जिया की शादी जल्दी कर देना चाहती हूँ। वो भी शादी जल्दी ही करना चाहते हैं। अच्छा, लड़का दुबई में इंजीनियर है, 10,000 लेते हैं। अच्छा, आदमी भी बहुत अच्छे हैं, रिश्ते में मेरे मिस्टर के हैं। अच्छा तो फिर चलाओ ना बात। अरे मैंने सब बातचीत कर ली है, इतवार को सब इधर आ रहे हैं। सच? हाँ, इधर कोई मकान वगैरह देखने आ रहे हैं। क्या मकान नहीं उनके पास? अरे मकान क्यों नहीं होगा, लेकिन अभी एक ही कमरा मिला है किसी गंदे से मोहल्ले में। अच्छा सुन, कुछ जलपान वगैरह तैयार करके रखना, आखिर अपनी जया को देखने आ रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। हे भगवान, अगर ये शादी हो जाए तो सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो कुछ पैसा बाकी था। हाँ लीजिए अपना भाड़ा, कितना हो गया? यही कुछ 700 रुपए। 700? ये लीजिए। आज तुम कचहरी नहीं गए? अरे कहाँ कचहरी, केस फिर मुलतवी, कमक वकील को पेचिस हो गई है। बेचारा। काहे का बेचारा, सब साले बदमाश है। कभी किसी को फ्लू हो जाता तो दूसरे को जुकाम, कभी दोनों ठीक है तो कमबख्त इतना पानी बरसता है कि लोगों को तैर कर ही कोर्ट जाना पड़े। वो झमेला भी गया तो अब हमारे वकील साहब को पेचिस लग गई है। अच्छा मैनेजर, सुनो है, यहाँ आपका निजी मकान खाली करवाने के लिए आपको भी कोर्ट में केस करना पड़ा था। कौन बोला? वो अनिल कह रहा था। अनिल? बहुत पुराना बात हो गया, 15-16 साल तो हो ही गया। तो कितने दिनों के बाद मकान पर कब्जा मिला? यही कोई 1962 चीन का लड़ाई हुआ था और 1975 अपना घरवाली गुजर गया था। 13 साल। 13 साल तक केस चलता रहा? केस तो और चलता रहता क्या, जब अपन का घरवाली गुजर गया तो अपन ने कहा कि अपन खुद ही फैसला कर लेगा। उसको 50,000 रुपए दिया, किराएदार अपना गांव चला गया और अपन को अपना मकान पर कब्जा मिल गया। 13 साल, 50,000।
आइए आइए। नमस्ते, नमस्ते। बैठे ना, जलपान के साथ आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? परेशान क्यों हो रही है? इसमें परेशान होने की क्या बात है, आपका लड़का नहीं आया? लड़का? आप बैठे ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको मालूम था मैं यहाँ आ रहा हूँ? क्यों नहीं, पद्मा ने आपके बारे में सब कुछ कह रखा है, आप बैठे ना। पद्मा? उसका नाम तो जया है। जया तो मेरी बेटी का नाम है, आप बैठे ना, मैं अभी आई। बहुत दिनों के बाद आज अच्छा घर का खाना खा रहा हूँ। आपने आपने बनाया है सर? जी, मैंने और मेरी बेटी जया ने बनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, और नहीं और नहीं, आजकल खा ही नहीं सकता। अरे खाइए ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अच्छा ये लीजिए। मैं आपके पास आया हूँ, आप तजुर्बेकार हैं, समझदार हैं, मेरी हालत अच्छी तरह समझ सकेंगी। कौन चाहता है कि 13 साल तक किसी दरबे में पड़ा रहे? हम यहाँ रह रहे वहां ज्यादा दिन रहना मुमकिन नहीं। आपका लड़का क्या करता है? इंजीनियर है। मैंने कहा हम अब जहाँ रह रहे हैं वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकते। वो तो है ही, एक ही कमरा है, वैसे अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं आप। जगह के लिए तो सारा झमेला है। सुना फिलहाल आप किसी गंदे मोहल्ले में रह रहे हैं। किसने कहा मैं गंदे मोहल्ले में रहता हूँ? जगह महंगी जरूर है। ऊपर से महंगी भी है। महंगाई की भी हद है। 350 रुपए सिर्फ एक आदमी के रहने का भाड़ा हमारे लखनऊ में। अरे अगर पद्मा ने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको यहीं रहने के लिए कहती थी। अच्छा, आप मुझे कहती यहाँ रहने के लिए? गोया कि आप मुझे इजाजत देती यहाँ आकर रहने के लिए। वाह 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 वाह। मुझे मालूम है लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन लोगों का क्या, उन्हें कानापूसी करने के लिए कुछ चाहिए ही। वैसे आप रहेंगे कितने दिन? शुभ काम समाप्त होते ही आप खुद ही चले जाएंगे? मैं खुद ही चला जाऊंगा, कमाल है। हमारे बस की बात होती तो आप जो कुछ भी मांगते हम खुशी से आपको दे देते। बस मुझे ये फ्लैट दे दीजिए। ये फ्लैट ही तो देना मुश्किल है। वैसे आपका लड़का अच्छी नौकरी करता है, उसे कंपनी से खुद ही अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। मुझे कंपनी से फ्लैट मिले या ना मिले उससे आपको क्या है? लो, लड़के को अच्छा फ्लैट मिलेगा तो क्या हमें कुछ नहीं? देखिए ये मेरा अपना मामला है। जया आई है, मैं अभी आती हूँ। आओ, आ गए क्या? हाँ, अकेली आए। नमस्ते जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ? मुझ पर क्या गुजर रही है वो मुझे ही मालूम है। आपका लड़का साथ नहीं आया? वो कह रहे थे आपका लड़का भी साथ आएगा। लड़के को यहाँ आने की क्या जरूरत है? फैसला तो उसे ही करना है ना। नहीं, फैसला उसे नहीं मुझे करना है। ये तो पुराने ख्यालों की बातें हैं, वैसे लड़के तो आजकल अपनी पसंद खुद करते हैं। लड़का जब यहाँ बम्बई में नौकरी कर रहा है तो मुझे भी यही फ्लैट चाहिए एक साथ रहने के लिए। आप परेशान ना हो, इसका भी हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। इनका एक बहुत ही बददिमाग और नामाकुल मकान मालिक है जो इन्हें मकान खाली कराने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती कर रहा है? जी, बहुत बदमिजाज आदमी है, पूरा शैतान। इनकी लड़की वहां गई तो उसे निकाल बाहर कर दिया। मुझे ताज्जुब है उसने उस लड़की की गर्दन क्यों न मरोड़ दी। हाय राम, जय तो बाल बाल बच गई, अब तुम उसे कभी अकेले वहां मत भेजना। पहले अपने लड़की को भेजा, अब क्या खुदा है मकान पर कब्जा करने के लिए? जया, मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि शायद आपकी माँ समझदार होगी, मगर ये तो पागल खाने से छुट्टी भी लगती है। क्या? हमने आपको अपना अपमान कराने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। जया के लिए और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, आपका लड़का ही कोई नया निराला नहीं है। आप लोगों के दिमाग में मेरे लड़के और इस सड़ी हुई लड़की के बारे में पता नहीं क्या फितूर भरा है। इस फटीचर लौंडिया के साथ अनिल की शादी, अगर दुनिया में सिर्फ यही एक लड़की रह जाए तभी इसके साथ उसकी शादी नहीं दूंगा। आपकी लड़की से शादी करने के लिए कौन आपकी खुशामद कर रहा है? चलिए रास्ता लापिए यहाँ से, और ज्यादा जबान चलाई तो पुलिस को बुलाकर निकलवा दूंगी। अभी जया, तमीज से बात करो। तमीज से बातें तमीजदारों से की जाती है माँ। ये मुंह और मसूर की दाल, इसी घर से निकाल बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी कुंदन लाल चौधरी नहीं। क्या हमारे मकान मालिक चौधरी जी है? और क्या? अरे लेकिन यहाँ कैसे आ गया? अरे मैंने समझा ये वही है जो जया को देखने आने वाले थे। तो उन्हें जानती नहीं? नहीं, वो तो मेरे हस्बैंड के रिश्ते में है, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। तुम अपने मकान मालिक को नहीं पहचानती? मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा। जया, तुमने ठीक नहीं किया, शायद वो कुछ फैसला करने आए हो। अरे नहीं माँ, तुम इन्हें नहीं जानती। इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा मुझसे, इनका बस चलता तो ये मुझे मार ही डालते, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ माफ कीजिए, श्रीमती अभयंकर यहीं रहती है ना? जी।
हमें थोड़ी देर हो गई आने में। आजकल के ट्रैफिक से भगवान ही बचाए, 2 बजे निकला था। आप ही पद्मा के पति जनार्दन जी के रिश्तेदार हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ शिव शंकर। ये मेरी वो और ये मेरा बेटा रवि शंकर। अच्छा अच्छा, आइए बैठे। अम्मा अम्मा अम्मा, 2 बेडरूम है। हाँ? फ्लैट बहुत अच्छा। अच्छा, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। अच्छा अच्छा, मैं रसोई घर देख कर आती हूँ। अरे पहले लड़की तो देख लीजिए। लड़की भी पसंद है। हाँ? आप गलत समझ रहे हैं, लड़की मैं नहीं हूँ। कोई भी हो, फ्लैट तो यही है ना। रसोई घर भी बहुत बड़ा है, शादी यही पक्की कर देते हैं। लेकिन ये फ्लैट हमारा नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। हमें तो रहने के लिए सिर्फ एक फ्लैट चाहिए, और आपके इस फ्लैट में तो 2 बड़े बड़े कमरे हैं। क्या आप अपने लड़के की शादी इस फ्लैट के लिए कर रही हैं? जी, हमें रिश्ता मंजूर है क्या? लेकिन हमें नहीं है, और ये फ्लैट भी खाली नहीं है। हम कुछ पगड़ी भी दे देंगे, क्यों अम्मा? हाँ, 10,000 तक दे देंगे। उस चाहे लड़की को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी भर याद रहे। लेकिन कुंदन लाल जी, सुनिए वकील साहब, मेरा काफी रुपया ऐठा है आपने। अगर 1 हफ्ते के अंदर मामला नहीं सुलझाया तो आउट, आपकी कोई जरूरत नहीं। मैं राम जेठमलानी के पास जा रहा हूँ। ओहो कुंदन लाल जी, आप मेरे दुश्मन के वकील से मिले हुए हैं, मुझे सब मालूम है। लेकिन मेरा नाम भी कुंदन लाल ठेकेदार है, अब मैं 1 पैसा और नहीं दूंगा। और 1 हफ्ते के अंदर वो औरत और उस लड़की को मेरे घर से नहीं निकलवाया तो आपकी भी खैर नहीं, मैं आप पर दावा करूंगा। बेवकूफ। हेलो रमणिक भाई, यार मामला गड़बड़ है, केस जल्दी पटाना पड़ेगा। तुम्हारा केस तो कमजोर है ही। हाँ, बाकी तो सब मालूम है ना यार तुमको। अरे वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन यार देसाई, अपने क्लाइंट से थोड़ा माल मुझे भी दिलवाओ ना। अरे मैंने तुम्हें नहीं दिलवाया था वो शास्त्री के केस में, भूल गए? हाँ जरूर जरूर यार, वो तो मेरा फर्ज है। अच्छा ऐसा करते हैं, अब जल्दी सुनवाई करवा डालते हैं। कहाँ जा रही हो माँ? हाँ कुंदन लाल जी से मिलाती हूँ, नजदीकी तो रहते हैं भारत लॉज में। कुंदन लाल जी से मिलने? हाँ, कल हम लोगों ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, कह आती हूँ हम लोगों ने उन्हें गलत समझा। नहीं माँ, तुम वहां नहीं जाओगी। अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो उसमें मान लेने में हर्जी क्या है, और तूने भी अच्छा सलूक नहीं किया जया, आखिर वो हमारे घर आए हुए मेहमान। मैंने कह दिया तुम वहां नहीं जाओगी। जिस आदमी से हम लड़ रहे हैं, रोज कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, और जो आदमी हम इस घर से निकालने पर तुला हुआ है, उससे मिलने तुम वहां जा रही हो? अरे तो क्या हुआ, मैं क्या वहां? अगर तुम वहां गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अभी। ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है आप आगे बोलिए। लक्ष्मी देवी और उनकी बेटी जया, ये दिखने में सीधी सादी जरूर है, लेकिन ये धूर्त और चालाक महिलाएं हैं। ये दोनों मिलकर के कुंदन लाल जी का मकान हड़प करना चाहती हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या ये ठीक है कि आप 15 साल से कुंदन लाल जी के मकान में रहती है? जी हाँ ठीक है। क्या ये ठीक है कि कभी उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया? जी हाँ कभी नहीं बढ़ाया। क्या ये ठीक है कि इन 15 साल के दौरान उन्होंने कभी मकान खाली करने के लिए भी नहीं कहा? जी नहीं, कभी नहीं कहा। योर ऑनर, कुंदन लाल जी का एक ही बेटा है जो करीबन 1 साल से बंबई में नौकरी कर रहा है। अब आप ही बताइए लक्ष्मी देवी, क्या एक बाप को यह हक नहीं कि वो अपने इकलौते बेटे के साथ रहे, उसे अपनी निगरानी में रखे? है। मगर यह हक आप उनसे छीन रही है। आप उनके मकान में आराम से रह रही है, जबकि बेचारे कुंदन लाल जी 10 महीने से बंबई में उनका मकान होने के बावजूद एक होटल में खटमल और मच्छरों से भरे हुए 10 बाय 12 के रूम में रह रहे हैं, जाना रहने का सुख न खाने का आराम। योर ऑनर, ये जानते हुए कि मकान मालिक को उसका मकान चाहिए और किराएदार उस पर कब्जा करके बैठा हुआ, क्यों खाली नहीं कर रहा? इसलिए योर ऑनर, कानून और अदालत इस केस को घसीट कर इतना लंबा कर दें कि कुंदन लाल जी घबरा कर लखनऊ भाग जाए, और लक्ष्मी देवी और उनकी सुपुत्री
मकान पर कब्जा कर ले। ये बात नहीं है। ये बात नहीं तो और क्या बात है? असल में हम लोगों को मकान, ये सब हम पहले भी सुन चुके हैं। इसीलिए योर ऑनर, जब करीबन एक साल पहले कुंदन लाल जी का लड़का यहाँ आया तो इन्होंने उससे अपने साथ में रखा। इनकी लड़की जया ने उससे मोहब्बत की पींगे बढ़ाई, सीधे साधे लड़के को फंसा लिया और प्यार का नाटक किया। लेकिन जैसे ही कुंदन लाल जी ने इनसे प्रार्थना की थी योर ऑनर कि उन्हें खुद के रहने के लिए अपना मकान खाली चाहिए। योर ऑनर, एक मकान मालिक अपने खुद के रहने के लिए अपना मकान किराएदार से खाली करवा सकता है, ये इस देश का कानून है। लेकिन आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। ये था इनके मोहब्बत के इजहार करने का तरीका। बताइए सच है या नहीं? मगर मेरी बात तो सुनिए। आपकी बात भी सुनेंगे लेकिन पहले मुझे बोल लेने दीजिए। लेकिन योर, हाँ कोई गलत बात हो तो जरूर टोकिए। इसके बाद योर ऑनर, श्री कुंदन लाल जी इनके घर पर गए ताकि सुलह सफाई से कुछ काम बन सके, लेकिन इनकी बददिमाग बेटी ने एक इज्जतदार बुजुर्ग की बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। देखिए ये तहजीब है, एक विधवा औरत और उनकी बेटी की। एक इंसान अपना मकान क्यों बनवाता है? अपने सुख और आराम के लिए। और अगर उसी सुख और आराम को कोई उससे छीन ले, कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले, तो ऐसे किराएदार को क्या कहेंगे आप? एक लाचार औरत, एक बेवा माँ, ये खुदगर्ज, एहसान फरामोश और पत्थर दिल औरत है जो एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि कुंदन लाल जी 3 महीने से होटल के खाने की वजह से सख्त बीमार हैं। भगवान ना करे अगर कहीं कुंदन लाल जी होटल के कमरे में ही गुजर गए तो उनके मौत की सारी जिम्मेदारी किराएदार लक्ष्मी देवी पर होगी। मैं अदालत से प्रार्थना करता हूँ योर ऑनर, ऐसी औरत को कुंदन लाल जी के मकान से फौरन निकाला जाए। मा, मा, क्या हुआ मा? मा, 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 ये सब गलत है मा, हमें कुछ नहीं होगा मा। देखिए आप में से श्रीमती लक्ष्मी अभ्यंकर का रिश्तेदार कौन है? मैं उनकी लड़की हूँ। देखिए आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है, फौरन ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। आप जल्दी से जाकर ऑफिस में 4,000 रुपए जमा करा दीजिए। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। आप प्लीज फौरन ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। लक्ष्मी अभ्यंकर के ऑपरेशन के लिए 4,000 रुपए जमा करने की बात थी, मैं फिलहाल 1,400 का ही इंतजाम कर पाई हूँ। ये ले लीजिए, बाकी रुपए मैं जल्दी जमा कर दूंगी। आप प्लीज कुछ कीजिए। आप परेशान ना हो, लक्ष्मी अभ्यंकर के ऑपरेशन का पूरा रुपए जमा हो चुका है और उनका ऑपरेशन भी हो गया है। हा? जमा हो चुका? किसने दिए रुपए? दिमाग खराब हो गया आपका? ऑपरेशन के लिए 4,000 रुपए दे आए हजरत। हाँ हो गया है, आपके साथ रहकर हो भी कह सकता है, हद होती है किसी बात की। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, या तो आप लखनऊ चले जाइए नहीं तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आपकी हठधर्मी की वजह से एक औरत आज मौत के मुंह में है और आप पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए रुपया क्यों दिया है? किसी इंसान की जिंदगी प्यारी है या रुपया? ये इंसानियत है आपकी? और वो रुपया मैंने दिया है, मैंने अपनी कमाई से। आप रखिए अपना पैसा अपने पास और लड़िए कोर्ट में केस जाकर। मुझे नहीं चाहिए आपका एक भी पैसा और ना ही चाहिए आपका फ्लैट।
कहाँ जा रहे हो? क्यों? किसी इंसान की जिंदगी प्यारी है ये रुपया? ये इंसानियत है आपकी? इंसान की जिंदगी प्यारी है ये रुपया? ये इंसानियत है आपकी? अब कैसी हैं आप? आप ठीक हो? आप बैठे ना। आप लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है। मुझे बहुत अफसोस है कुंदनलाल जी, आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आप ज्यादा बोलिए मत, डॉक्टर ने मना किया है। बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, जया की शादी के दूसरे दिन ही हम मकान खाली कर देंगे। क्या कह रही हैं आप? लीजिए आपकी लड़की आ गई, मैं फिर मिल लूंगा, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। चौधरी जी अपने आप आए, मैंने नहीं बुलाया। डॉक्टर ने इजाजत दे दी है, कल इतवार है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। देख जया, तू नाराज मत होना, कुंदनलाल जी और अनिल का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मेरे ऑपरेशन का सारा खर्चा अनिल दे गया है। आज अगर वो ये रुपया नहीं दे जाता तो शायद तुम मुझे जिंदा नहीं देख पाते। मैं पहचानती हूँ इन लोगों को, ये रुपया इसलिए दिया है कि हमें पता चले कि हम गरीब हैं, इस लायक नहीं कि उनके साथ कोर्ट में लड़ सकें। और इन 4-5 हज़ार रुपयों का एहसान लेकर मकान छोड़कर चले जाएं? नहीं जया, अनिल अच्छा लड़का है, कोई यूं ही नहीं रुपया लुटाता फिरता। फिर उसे हमसे हमदर्दी है और फिर वो तुझे पसंद भी तो करता है। माँ, खाली मकानों के इश्तेहार देख रहे हैं? नहीं बेवकूफ। तो फिर क्या देख रहे हैं? वो जो लड़की है ना जया, उसके लिए लड़का देख रहा हूं। उसके लिए लड़का अखबार में देखने क्या जरूरत है? फिर कहां देखूं? मेरा मतलब है आपको क्या जरूरत है, जिसको भी देखना होगा वो अपने आप देख लेगा। अरे कोर्ट कचहरी में केस 12-13 साल तक रगड़ सकता है, बेचारी लड़की की शादी हो जाएगी तो मकान खाली कर देंगे कह रहे हैं। कैसी हो माँ, अस्पताल से आ गई? आपने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए रुपए क्यों दिए? मेरे पास थे, मैंने दे दिए। देखो जय, आपको हमारे मामले में दखल देने का क्या हक है? तुम्हारे लिए कुछ भी करूं जया, मुझे खुशी मिलती है। मुझे मालूम है क्या खुशी मिलती है, आप और आपके पिताजी हमारी जान के पीछे पड़े हैं, ऑपरेशन का खर्चा दिया है ताकि इसी बहाने फ्लैट हथिया लें। जया, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने सच्चे मन से वो पैसे दिए हैं। मुझे आपका एक पैसा भी नहीं चाहिए, और जो दिया है उसे ब्याज समेत चुका दूंगी। जया प्लीज, एक इंसान का किसी दूसरे जरूरतमंद इंसान की मदद करना फर्ज है। जो फर्ज? हमारे खिलाफ केस करते वक्त ये फर्ज याद नहीं आया? नहीं देखो, वो तो बाबूजी ने किया था, वो भी गुस्से में। यकीन मानो जया, मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार? मेरा पीछा छोड़िए। सुनो तो,
मुझे सातवें माले पर जाना है। जब तक तुम मेरी सारी बातें नहीं सुनोगे किसी माले पर नहीं जाओगे। क्या बदतमीजी है? एक बात में ज्यादा बेवकूफ लड़के से थोड़ी सी बदतमीजी करना जरूरी है। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, हाथ पकड़ने के लिए तो पकड़ा है। छोड़ी मेरा हाथ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ जितना मर्जी, अब ये लिफ्ट मेरे इशारे से चलेगी, समझी? जब तक तुम्हारी मोटी खोपड़ी में थोड़ी शक्ल न डाल दूं ना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। अरे क्या कर रहे हो? लिफ्ट ऊपर नीचे चला रहा हूँ। लिफ्ट? किसी लड़की की आवाज है। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। सातवें माले की जया लगती है। हमारी ही बिल्डिंग की लड़की से कोई छेड़खानी कर रहा है और हम सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। लानत है हम पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, अपने इस घमंडी दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह तराश लो कि मैं तुम्हें प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। दूसरी बात, जिस दिन मेरा सामान घर से बाहर फेंका था, मुझे नहीं मालूम था कि बाबूजी के दोस्त ने क्या चिट्ठी लिखी है। और तीसरी बात, जरा पीछे हटिए आप लोग। मैंने तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए रुपए दिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ हो। डॉक्टर ने कहा था कि फौरन ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन तुम्हारे शक की दिमाग ने इसमें भी कुछ चाल समझी। मेरी तरफ से कुछ है, क्या मैं तुम्हें इतना कमीना नजर आता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इसलिए दिए ताकि मैं तुम्हारा फ्लैट हटा लूँ? माँ का खर्चा मैं देना चाहती थी। कब? जब तुम्हारी माँ गुजर जाती तब। सुनो, मैंने एक माँ के ऑपरेशन का खर्चा दिया है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरी अपनी माँ नहीं है, बचपन में गुजर गई थी। मैंने उस माँ के ऑपरेशन का खर्चा दिया है जिसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, दिल खोलकर अपने घर में रहने को कहा, और एक तुम हो जो मुझ पर शक कर रही हो। हम दोनों जब नजदीक आ ही गए हैं तो देखिए, मेरा मतलब है आप भी अकेली हैं और जया की शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, तो हम दोनों क्यों ना शादी कर लें? अच्छा हुआ बेटा आप और जया साथ हैं, मुझे एक खुशखबरी देनी है। बाबूजी मुझे भी आपको खुशखबरी देनी है। पहले बड़ों की बात सुनते हैं बेटा। पहली खुशखबरी, मैंने कोर्ट से केस वापस ले लिया है। क्या फायदा? सच? मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको काफी कुछ भला बुरा कहा। कोई बात नहीं जया, मैंने भी बहुत कुछ कहा है, इंसान से गलतियां तो होती रहती है। खैर, दूसरी खुशखबरी ये है, हम सब हमारे फ्लैट में रहेंगे एक साथ, एक परिवार जैसे। बाबूजी और तीसरी खुशखबरी? ना 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 ना, तीसरी खुशखबरी हम देंगे, वो ये है कि मैं और जया हम दोनों शादी कर रहे हैं। अरे जया तो यहाँ है, सब खैरियत तो है। सिर्फ खैरियत ही नहीं, ये खुशखबरी भी है, बता दूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, जया और अनिल शादी कर रहे हैं। अरे दो अनजाने प्यार में जब हो जाते हैं एक जान, ऐसा लगता है जैसे हो सदियों की पहचान, अजब करिश्मा हो जाता है जब होने ना चाह, दिल को जो भाता है जिस पर दिल आता है, दिल को